जीवन में कला सबसे प्रधान है, क्या चित्रकला, क्या मूर्ति कला, क्या संगीत कला, क्या कलाकार। एक कुशल कलाकार चाहे तो अपनी कला के द्वारा मूर्ति की प्रतिमा में जीवन नहीं डाल सकता, लेकिन अगर एक कुशल कलाकार चाहे तो उस बनी हुई मूर्ति की प्रतिमा में आपका बनना करता हूँ। आए वे शंकर के निर्माणों का बनना करता हूँ, मिथिला के संतों का जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के चरणों में बिता दिया। ऐसे आना हुआ ऋषि राज आओ बैठ जाओ। कल्याण वस्तु ऋषि राज हमारे महाराज मिथिलेश के मन में बहुत ही चिंता है, क्योंकि देश देशांतर के महिपाल रंगशाला में पधार चुके हैं और उन्होंने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है कि आप भी अब कृपा कर रंगशाला में अपने 88,000 शिष्यों के सहित एवं राम लक्ष्मण के सहित पधारे। ठीक है सत्यानंद जी, आप जाकर के कलाकार देखिए और हम राम और लक्ष्मण को लेकर के रंगशाला में पधार रहे हैं। जाओ बेटा राम एवं लक्ष्मण, चलो इस धूप में भगवान भूल शंकर की खूब बधाई देते हैं, चलो चल करके देखते हैं। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तो जा पर हो। चलकर देखते हैं ईश्वर किसको बढ़ा देगा, जिसके ऊपर आप जैसे ऋषि संतों की कृपा होगी उसे ये यश अवश्य ही प्राप्त होगा। चलो चलो के वो भी लोग आए थे और इतना ही नहीं तमाम प्रजापुरवासी लोग वहां पर उपस्थित थे और उन लोगों ने प्रभु श्री राम को जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार नलों में भूजल के समान प्रभु श्री राम ऐसे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सुरवासिन देखे लो भाई नर भूषण लोचन सुखदाई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन हो। ये नहीं जरूरी है कि 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 2000 हो, नहीं। जो भी भगवान ने आपको दिया है आपसे विनती करते हैं कि आइए इस नवरत्न जाति के अंतर्गत सभी लोग आप यहाँ आमंत्रित हैं। जो भक्तजन
जो सज्जन भगवान के चरणों में आना चाहते हैं, अपना नाम प्रकाशित करना चाहते हैं, सिर्फ 10 मिनट का समय है और 10 मिनट में 5 ही मिनट में आप लोग यहाँ आ जाए, क्योंकि लीला बहुत लंबी है। लीला और महाराज संवाद, जनक जी का पश्चाताप, लक्ष्मण जी का संवाद, देखिए आपका धन बहुत ये भजन आपको आगे हुए होना चाहिए। एक बात आपसे पूछें,
कि आप देख क्या आपके, अरे हम सब जात से मिले हुए हैं, हम सर्ववंशी हैं और क्या, ताकि किसी के विरोध में रहे, सब हमारे गले मिले। वही तो हमें लखपतिया किससे बात करता है जी हजो। तो हम सबको चलना चाहिए महाराज जनक जी ने क्या ठंडी का समय न था, मेरा वैसे भी गला बैठ गया है। सुनो तो हम सबको चलना चाहिए जनकपुर। कहाँ चलना चाहिए? जनकपुर, जनकपुर। हाँ पहले आओ, व्यवस्था सारी दुरुस्त है। चलिए सवारी का क्या इंतजाम किया है? बलि का दही है, बलि का दही है। चलो आ जाओ, जिंदा भी नहीं है। आ जाओ लखपतिया, जनकपुर कितनी दूर है, सुन ले तो भागो। अरे आगे आगे चलने में लगता है डर, लेके अपने नौकर में बैठा अपने घर। अबे था था था, अबे था था था, लखपतिया जनकपुर तो लग रहा है ना ऐसे का। हमारे महाराज का नाम, ये तो पूछना पड़ेगा, पूछ के आते हैं। आपका नाम क्या है? अरे ये बता पाइए कितने दिन से नौकरी करता है? वही कुछ 5-6 साल से। बाप रे बाप, 5-6 साल से नौकरी कर रहा है, मालिक का नाम भी नहीं पता है। मतलब आप कभी नाम बताए हमको? पूछा कभी? ये बता, मैं तेरा पैसा रोक लूंगा तो तू क्या करेगा? बिना नाम का एप्लीकेशन दूंगा और तू क्या जाएगा? बिना चालू कर दिए करते हैं, कभी ऊपर बैठ जाओ, कभी कहते हैं नीचे बैठ जाओ। नीचे ही बैठ जाओ हुजूर। हाँ बैठ, कुर्सी के नीचे बैठो, कुर्सी के नीचे। देख लीजिए, अंजत कर लीजिए। अरे कुर्सी के परंतु मानहरण मिथिला
परंतु अधर्म अगर्मा अविनाशी निरंतर निर्विकार निराकार का साक्षात कर दिया। इन नेत्रों से एक आदमी को छवि का निरीक्षण होगा। इन नेत्रों से एक अद्भुत छवि का निरीक्षण होगा। स्वामी ये क्या कह रहे हैं आप? सत्य में सपना देख रहे हैं स्वामी? दानों से जाती है ये सोता था दशानन पलंग करे निसंकता से अभी अभी छोड़ा एक स्वप्न में जगा के कहता था कि उठो मत शीघ्र लंका पति और वो उन्नत शिखर पर वह पूरा तुझे करना है अपने जीवन का संपूर्ण नाटक का इंतजाम भी प्रसेंट पुष्पक विमान तैयार करो हम इसे छापो जा रहा हूँ। महाराज पुष्पक विमान तैयार है बस बहुत विश्वास बहुत विश्वास महाराज मिथिलेश की जय हो। महाराज मिथिलेश की जय हो। क्या बात महाराज प्रथम फाटक पर कंचनपुर सम्राट पुलस्त मुनि के नाती विश्वेश्वरा मुनि के पुत्र महाराज तसग्रीव रावण का आगमन हुआ है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। इस धर्म की समाज में अधर्म की मूर्ति का पता ये जहाँ जाते हैं ये तो विध्वंस करते हैं है तो उनके ब्राह्मण ये भोलेनाथ साधारण नहीं जिसके चलने से धरती जगमगा जाए देवता वो और बंगलाओं में चले जाए ऐसी संतुलित समाज में रावण था ना आश्चर्यचकित ये गुरु पावन भगवान शंकर जनक की मर्यादा लड़के बेटी के स्वाद की बात है आप हमारी रक्षा करें जिससे किसी प्रकार की क्षति हो जाए क्या करें मिलने न जाए नहीं अतिथि देवो हो अतिथि हमारा देवता है हम चल करके उनका सम्मान स्वयं करेंगे और ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे एक भगवान का सम्मान किया जाता है एक देवता का सम्मान किया जाता है।
आपके चरणों से आज मिथिला भूमि बहुत प्रशंसित है। आपके चरणों की वंदन, आपके चरणों के द्वारा मिथिला का ये पवित्र मायमान जनक का हृदय गदगद हो गया है। किस मुख से आपका मैं वंदन करूं, किस मुख से स्वागत करूं? हे मेरे ज्येष्ठ के माता सतगुरु महाराज, ये जनक निर्कुल वंश से है, आप ब्रह्मकुल वंश से हैं और ये जनक आपको बार बार प्रणाम करता है, बार बार प्रणाम करता है। इस मिथिला महोत्सव में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है महाराज, वंदन। धन्य हो लोकिया, धन्य हो जिसने अभिमान गरिमा गरिमा लखमा प्राप्ति प्रगाम ऐसे तो वसित में संस्कृतियों को प्राप्त कर रखा हो। यम नियम संयम धारणा योग समाधि प्रणहार प्रत्याहार आदि अष्ट योगों में प्रणी हो ऐसे महात्मा श्री भक्त शिष्टाचार और स्वेच्छाचार को सुन करके ये दशानन का हृदय गदगद हो गया है, गदगद हो गया। वाह वाह वाह, बने मिथिले से क्या सुंदर भ्रता मिथिले, ये बने मिथिले से क्या सुंदर तेरी मिथिला, मन और मन को लुभाती है ये तेरी मन है मिथिला, ये चकित थानों सुनेर है चौक मैं पुखराज की प्यारी अस्फटिक हीराओं मणियों की सरंग चंद्र हो गया। मुझे अभिमान था कि भोपाल वंश में से कुल वंश और अवरा वंश में सिंह खड़े होंगे। होगा या मैं आज ठंड का होगा, अरे बालों से ज्वाला निकलेगी, खूनी नदियां बह जाएगी, राजा के धन विकराल रूप को फटफट बनाएगी। जो इस काल का बाल हक होगा उसके मुंडों का दरबार होगा, उसके मुंडों का दरबार होगा। आप फिर सब मुकाम में मिलेगा राजपुत्री की जाओ क्या कहना बाहर को जगत में सुंदर संत निधान जात पिता पद पावन पाप प्रदासी, अरे तेज फिरो तब ही तब रावण सातो रसातल जय बिलासी। नए अपने धुन जाट या खंड कियो छित मंडल खंड छत प्रवासी, अरे जाने के केसो के जिगवार शेष को सिंसल तीन काशी। एक बार या फिर शिकवा कैतिक बार तक खुद बने समझे तो प्रचार बुलाओ थे और समझे यश पाओ ये अगर जाने नहीं प्रीति रीत की बात, अरे क्या करो करता धो करो मोत से कहा जैसे याचक को दियो मेरे पिंडेदार सो सर टूटाने नहीं सो मैं कड़क पकार नरका सुन कै सब सुन मधुसूर मुख सो के मारो लोग चतुर दर्शन अक्षक केशव मंडित पंडित देव देव निहारो
सौ दरबार को बल पे करतारों ने कर दिन में हो जाएंगे अंधेरी राय दावर, अरे दिन में हो जाएंगे अंधेरी राय भादो की काली घटाएं फिर आवेगी, बाद में लगेंगे छोड़े आशा के बाल समय शादी है रंग भूम जल पूज चिखाएगी, अरे चमकेगी दामनी सुभावनी भगेगी न भाव सूझेगी न गाय छाय छाटिया खिल जाएगी, रोज रात मैथिली न भेज दिन मलेंगे हाथ यदि गुस्से में फिर उठे सितारे जगन प्रणाम करेगा जरो प्रणाम होंगे भान कोप में किसान से भेद कर जाएगा कुराहल बताएंगे लोकपाल की पाल समय शेष के खरीद से महीन हिल जाएगा डोले की अवन हाथ सुनते ही बाहर तक तक में झिटक होंगे चक चल जाएगा हृदय क्या तो जान होगी बात जान तो गवाएगा ऐसी बात है समय तुम्हें नहीं पूछिए अब चलो अब कहीं दो ये मदन कदम दो ये बात है तो जल्दी लगाइए तो देखते हैं तुम्हारे में क्या कीमत है ये धनवत पुराण हम लीन दान छड़ा कमाही से हम चढ़ाए तभी तो तुम हूं तो देखा उठाए मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूँ मैं तेरी विवाह में को चाहता हूँ चढ़ाए में को रंगों का आस कर आए हुए खाई है मेरे धन में ये धन मेरे गुण में समान सीता मेरी नात दो और असमंजस जा कहा उसे नात प्रसन्न कर भगवान की वो जो ना तो सुधरो तो देते राज चढ़ाए ये समंदर चलाए और बहुत डांट सही था ये क्या मैं तो मिथिला में अपने लक्ष्य को लेकर के आया था परंतु आज बारे में की बातों में उलट करके अपने लक्ष्य को भूल गया ऐसा कलाम नहीं हो सकता जब तक मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी मैं इस मिथिला से नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं मैं सहने सहने अपने मालिक से जा रहा था तकरीला पथरीला हमारा मार्ग है तो बाधा आना स्वाभाविक है बड़ा स्वरूपी बाधा आई चली गई और दशानन का लक्ष्य सुख रस का मधुर विमोच तटिपट पीत के कंधों पे चढ़ा हुआ सोई नवीन कदली के स्तंभ के समान ये लटी हुई जगह सुंदर अंगों में पगों के तले मिथुन प्रभु हो गए थे नहीं जीता अवध में आव हुए पैदा पता किंचित नहीं लीहा और इस दशानन के चिहाने को ये वेश पूरा कर दिया वाह रे मुरली वाह
जिस समय मैंने अपने बिना पर के कहाँ साथ है
कोई सांप वाप नहीं है। अभी तुम्ही तो हल्ला मचा रहे थे, यही है सांप, यही है सांप। संस्कृत को टेढ़, संस्कृत में टेढ़ी वस्तु को चाप कहा जाता है। अरे सड़े तुम्हारी संस्कृति क्या, यहाँ तो हमारा नशा ही उतर गया, कहाँ से आ गया सांप? नशा उतर गया और क्या, इतना हम क्रोध के साथ में जा रहे थे तो हम कभी 25 टुकड़ा हो जाता। अच्छा फिर से मौसम बदल, फिर से अपना जोश बना लीजिए, फिर से जोश बना लें, बनाना ही पड़ेगा जब धनुष तोड़ोगे तो। करंट मारता है, मत पकड़िए, निकल जाइएगा। हाँ तोड़िए, तोड़िए, ये ऐसा है ना, जमीन से चिपक गया है। अच्छा एक फावड़ा मंगाओ, जमीन यहाँ की खोदो, उठाएंगे। अरे ऐसे नहीं टूटेगा, बहुत जियो बलदाहियो है ये परम प्रचंड, और सब में एक ही बार में दो हरि को दंड, जितने राजा महाराज आए हैं सब मेरे बच्चे एक साथ का। आपने तो कह दिया ये जितने राजा आए हैं सब साथ में मिलकर धनुष को तोड़ दें। राजकुमारी है एक और राजा कितने हैं, 9999 राजा मारे जाए, 10,000 राजा हैं, तो किससे विवाह कर देंगे? जाने का मतलब तलवार चलेगी। बाप रे बाप, जो पहले जब धनुष तोड़ जाएगा जो उसको मार कर अकेला बचेगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान भिड़िया फसान। बताओ एक राजकुमारी के लिए 9999 राजा, ये सही नहीं है। क्या सही है, जाए यहाँ पे व्यवस्था उत्तम है, रहने खाने की बढ़िया, टोकना लेकर आए उसमें भात बनवाए और बढ़िया दाल फ्राई और बैठा दे राजाओं को, जो सबसे ज्यादा खा लेगा उसी के साथ उसी। संसार में दुख भी आ बजेगी, मंगल रात होगी, देखिए सब क्यों मेरा जिस समाज में भी रघुवंश कुल का एक ही वीर बालक बैठा होगा उस समाज में ऐसी अंशमाई कोई नहीं रह सकता है, जैसा कि रघु शिरोमणि प्रभु श्री राम जब जो विद्यमान जानते हुए विदेश राज चले में कही है। हे भान खुण कमल को खिलाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए, मैं आपसे अपना सत्य स्वभाव कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। हे प्रभु जब मैं आप क्या क्या पाता हूँ तो इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा दूँ, सुबह की पदक को पूरी की तरह उठा दूँ, ऐसा जानकर यदि आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं एक छोटा सा कौतुक करूँ जिसका अवलोकन तो आपका दास लक्ष बचना रह जाओ, दोनों ही छत्रपति जी तरु प्रताप बलनाथ दोनों का हो प्रभु पानी शपथ, बोले न धराओ धर्मभाज, बोले न धराओ धर्मभाज नाथ, क्या ही प्राण रोपो उला की दया प्रभाज, जन में छल में चोपू मेरे सम्राधन से हर बार, यहाँ पर ये जितने भी राजा पर आए हुए हैं इन सम्राजन हर बार इनके मुख मोरू चरण कमल और राघनाथ पल में यही थल तोड़ू, सही नहीं चार पा कहीं वो जगतराज बैठे सुताजराज रघुवंश के उदार में, नाथ की रजाय पाऊं तो पाम हाथ से उठाऊं कुंभ संपोल भी विकांत को पवारू मैं, दीजिए अनुशासन तो सरासन को उठाओ नाच छप छत जब तो मरोड़ पालू मैं, चला चला तुमने कहे तो भाई दिल पर चीर बैठे हैं, कलेजा ढाल बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं, रहे तो जान की कुआरी देश का कम नहीं रतन, अगर कम है तो अभी हम दिल धीर बैठे हैं, अभी तलवारें चल जाती तो होते नाय हर घर हजारों कर्म ये लोग का सब छीन बैठे हैं, सच्चों का सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताप न हो वो चुप कैसे रह सकते हैं, रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है,
कैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाभारत का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित बारी कहनाई ये सब हृदय में चुपता है। ये पृथ्वी मैं भी हम लोग से कहता हूँ है परिवारों की पृथ्वी जिस दिन न होंगे बलवान उस रोज न होगी पृथ्वी। स्वयं राम रघुवंश भाई रघुनंदन रघुवीर इस महान अपमान ने मुख को किया अभी मेरा स्वभाव तो ऐसा है अपमान ना मुझे गवारा है। कृपा गुरु के चरणों की बलतेज तुम्हारा है अभिमान त्याग कर कहता हूँ यदि आदेश आपका पाऊ मैं तो क्या इस धनवे की विषाद ये सारा ब्रह्मांड उठा है। फिर कच्चे गए जमाने से दम भर में छोड़ था डालू या कादम मुनि की राई चुटकी में तोड़ ता डालू जल को थल कर दू और थल को जल कर दू ले आऊ उतार सितारों को सुरमे की ठाज पीस करूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को फिर धनुष पुराना सड़ागा नाचीज किस गिनती में है रोज सैकड़ों दोस्त तक ले रहूं इतना बल तो इस उंगली में है। सकल लोग सब भूख रहे हैं अरे वाह खुलजी की आरियाता है जय नैरव पद लखन निवार प्रेम समेत निकल बैठार। ये क्या कर रहे हो इज्जत इज्जत भाई इज्जत क्या हुआ। अच्छा ये बताइए महाराज जनक कैसा मकान बनवाए हैं क्या हुआ हम कुर्सी के ऊपर थे कुर्सी हमारे ऊपर तक पहुंच गई है और क्या कौन सा जब आप चले राजाओं के धन का खंडन नहीं हुआ। अरे हमको लगा कि धूल चंप आ गया है जब ये धन का खंडन नहीं हुआ ना तो महाराज ने कहा पृथ्वी पर कोई देर नहीं। अरे उठा और हिला न सके ए सखी समे राजा को उठ कर न कोई समझाते ये बालक हठ योग कहा जो धनुष उठाने जाते सखी मेरा कहना तो ये है महाराज को कोई समझा दे सीता जी का ब्याह अपने मन से करा दे बोली थी सखी बोली चंदुर सखी सुनो बानी तेजवंत लघु कनो नारायण की महारानी सुनिए तेजवान पुरुष को कभी छोड़ा का मत समझना कहा गुंबज का सिंधु अपारा शुद्ध शुद्ध सकल संसार कहा कुंभज ऋषि कहाँ का था समुद्र कुंभज ऋषि एक किलो में पार कर गए थे। रवि मंडल देखत लघु लाला उदयता भुवन तम भारा सूर्य का मंडल देखने में बहुत छोटा होता है लेकिन उग जाने के बाद सारी पृथ्वी का अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र परम लघु जास वर विद हर हर सुर सर्व महामत गजराज तौ बस कर अंकुश कर महारानी जी छोटा सामान होता है वो बसी प्रकट कर लेता है और छोटा सामान हित का कारण बन जाता है। तो सुनो महारानी जी ये बालक बड़े माधुरे हैं बड़ी हुई हिम्मत भी है छोटे और बड़े भी क्या रखा ताकत दो चीजें और भी है।
Thank you.